अलगूम ट्यूटोरिया डॉट पी के में खुश आमदीद मैं हूँ आपकी मैथ्स इंस्ट्रक्टर समरा मकसूद आज हम ग्रेड इलेवन का चैप्टर नंबर टू डिस्कस करेंगे तो आइए स्टार्ट करते हैं उसका जो नाम है वो क्या है सेट फंक्शन एंड ग्रुप्स सबसे पहले हम सेट्स को डिस्कस कर लेते हैं सेट क्या होता है अ सेट इज़ जनरली डिस्क्राइब एज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है कि दो ऑब्जेक्ट जो हैं वो आइडेंटिकल सेम नहीं हो सकते जो सेट के मेंबर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं सेट के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम मेंबर्स या एलिमेंट्स बोलते हैं यूजुअली जो होता है हम क्या करते हैं कैपिटल लेटर से सेट्स के नाम को रिप्रेजेंट करते हैं और जो उनके अंदर एलिमेंट्स या मेंबर्स होते हैं उनको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं देयर आर थ्री डिफरेंट वेज टू डिस्क्राइब द सेट आइए उनको डिस्कस करते हैं सबसे पहला मेथड है द डिस्क्रिप्टिव मेथड अ सेट मे बी डिफाइंड इन वर्ड्स अगर हम वर्ड्स में डिफ़ाइन करें तो ऐसे मेथड को हम डिस्क्रिप्टिव मेथड बोलते हैं जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर हमने रिप्रेजेंट करना है सेट ऑफ ऑल वोवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स तो ये क्या होगा डिस्क्रिप्टिव मेथड सेकेंड हमारे पास क्या है टेबुलर मेथड अ सेट मे बी डिस्क्राइब बाई लिस्टिंग द एलिमेंट्स विद इन ब्रैकेट्स यानी अगर जैसा कि हमने अगर सेट ऑफ वर्वल्स लेने हैं तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू और ब्रैकेट में हम इसको लिख देंगे जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे भी इसकी रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं थर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है सेट बिल्डर मेथड उसमें हम क्या करते हैं हम जो है इम्प्लॉय करके लिख लेते हैं जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं अगर हमने लिखना है सेट ऑफ वोबल्स को ही लिखना है तो हम क्या करेंगे लिखेंगे ए इक्वल टू एक्स टेट एक्स इज़ अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट ये हमारे पास जो फॉर्म होगी वो क्या होगी सेट बिल्डर फॉर्म इसके बाद हमारे पास आ जाती है सबसेट की डेफिनेशन वो क्या होती है अ सबसेट जो है वो क्या है इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी देन वी से ए इज सबसेट ऑफ बी क्या है अगर हमारे पास हर एलिमेंट ए का सेट बी में मौजूद हो तो हम कहेंगे सेट ए जो है वो सबसेट है बी का जिसको हम सिंबॉलिकली लिख सकते हैं जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ए इज़ कॉन्टेंट इन बी यानी इज सबसेट ऑफ बी इसके बाद हमारे पास है प्रॉपर सबसेट प्रॉपर सबसेट क्या होता है इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए यानी अगर ए जो है वो सबसेट ऑफ बी हो और बी में एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट ऑफ ए मौजूद हो तो हम कहेंगे देन ए इज सेट टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इन सच केस वी कैन राइट ए इज़ कॉन्टेंट इन बी और हम उसको लिखते हैं ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी जैसे कि आप स्क्रीन पे लिखा हुआ देख सकते हैं इसके बाद थर्ड टाइप है इम्प्रॉपर सबसेट हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट क्या है अगर ए सबसेट ऑफ बी हो एंड ए इक्वल टू बी देन वी से ए इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इट ऑल्सो फॉलोज डैट एवरी सेट ए इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इट्स हर सेट जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट होता है अपने साथ इसके बाद हमारे पास कुछ कुछ मजीद डेफिनेशन हैं ये इनको डिस्कस करते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं इफ़ अ सेट इज इक्वल टू द सेट वन टू थ्री अप टू सो वन एन फॉर सम फिक्स्ड एन नेचुरल नंबर एन अगर हम अपने सेट को लिख सकें वन टू थ्री अप टू सो एन और एन हमारे पास क्या है फ़ॉर सम फिक्स नेचुरल नंबर एन तो हम कहेंगे हमारे पास सेट जो है वो क्या है फाइनाइट है अदरवाइज़ वो क्या होगा इनफाइनाइट यानी ऐसा सेट जो हमारे पास क्या हो रहा है ख़त्म हो रहा है और ऐसा सेट जो चलता जा रहा है जो एन नहीं हो रहा उसको हम क्या बोलेंगे इनफाइनाइट जैसे कि एग्जाम्पल क्या है इनफाइनाइट सेट की द सेट ऑफ इंटीजर्स आर द सेट ऑफ क्या है इनफाइनाइट सेट है इसके बाद हमारे पास आ जाता है पावर सेट पावर सेट क्या है अ सेट मे कॉन्टेन एलिमेंट्स विच आर सेट दम्सल फॉर एग्जाम्पल इफ सी सेट ऑफ क्लास ऑफ अ अटन स्कूल देन वी कैन से सी आर सेट दमसेल्स बिकॉज ईच क्लास इज सेट ऑफ स्टूडेंट्स और पावर सेट क्या है हमारे पास द पावर सेट ऑफ एस डिनोटेड बाय पी एस इज द सेट कंटेनिंग पावर सेट हमारे पास क्या है डिनोट होता है पी एस से और उसमें क्या होता है कंटेनिंग ऑल द एस ऐसा सेट जिसमें सारे सबसेट्स आ जाएं एस के उसको हम क्या कहते हैं पावर सेट इसके बाद हमारे पास टू सेट्स इक्वल कब होते हैं टू सेट्स इक्वल तब होते हैं जब उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हों बराबर हों और एक जैसे हों यानी वन टू वन कॉरिस्पैंडस भी हो अगर एक सेट में थ्री एलिमेंट्स हैं तो दूसरे सेट में भी थ्री एलिमेंट्स होंगे और क्या हो नंबर भी बराबर हो जिनकी वन टू वन कॉरस्पेंडस भी ले सकें तो हमारे पास क्या आएगा टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल ए एंड इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम एलिमेंट्स दैट इज़ इफ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ईच सेट इज़ एन एलिमेंट ऑफ द अदर सेट जैसे कि एग्जांपल देख सकते हैं वन टू थ्री और दूसरे सेट में हमने क्या लिखा हुआ है टू वन थ्री दीज टू सेट्स आर इक्वल आप अपनी स्क्रीन पे इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं इसके बाद हमारे पास है इक्वलेंट सेट्स इक्वलेंट्स में हमारे पास क्या आ जाता है अगर हम क्या कहें वन टू वन कॉरस्पोंडेंस ले सकें बटवीन द सेट ऑफ एलिमेंट ए एंड बटवीन द सेट सेट ऑफ एलिमेंट बी जैसे कि आप देख सकते हैं इफ द एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स ए एंड बी कैन बी पेयर्ड इन सच अ वे दैट ईच एलिमेंट ऑफ ए इज पेयर्ड विद वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ बी एंड वाई स्वर्सा देन सच अ पेयरिंग इज कॉल्ड वन टू वन कॉरस्पॉन्डिंग बिटवीन ए एंड बी एंड दीज सेट्स आर कार्ड इक्वल सेट्स अभी हमने सेट्स और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को पढ़ा है तो उसी को यूज करते हुए हम एक्सरसाइज टू का आगाज करते हैं तो स्टार्ट करते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर न्यूटेशन अभी हमने सेट बिल्डर न्यूटेशन को डिस्कस किया है तो हमने क्या करना है अपने सेट को सेट बिल्डर न्यूटेशन में लिखना है तो आइए स्टार्ट करते हैं अब मैं इसको कह देती हूँ लेट द सेट ए अगर मैं इसको ए से रिप्रेजेंट कर दूँ इसकी सेट बिल्डर न्यूटेशन क्या होगी एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू क्या है हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहे हैं इंटीजर्स आ रहे हैं लेकिन इंटीजर्स क्या है जीरो से स्टार्ट होके माइनस फाइव हंड्रेड पर एंड हो रहे हैं तो हम क्या लिखूंगी एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू जी एंड हमारे पास स्टार्ट कहाँ से हो रहा है माइनस फाइव हंड्रेड इज लेस देन एक्स इज लेस देन ज़ीरो यानी ऐसे इंटीजर्स जो जीरो से बड़े हैं लेकिन एंड कहाँ पर हो रहे हैं माइनस फाइव हंड्रेड में तो हमने इसकी क्या कर ली सेट बिल्डर नोटेशन लिख ली क्योंकि यहाँ पे माइनस फाइव हंड्रेड और जीरो इंक्लूडेड है तो यहाँ पे इक्वलिटी का साइन आएगा तो हमारे पास ये आ गई है गिवन सेट की सेट बिल्डर नोटेशन इसके बाद नेक्स्ट सेट है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन माइनस हंड्रेड एंड थाउजेंड तो इसको लिख लेते हैं हम एक्स सच डेट एक्स अब हमारे पास अगेन क्या है इंटीजर्स के हैं तो इंटीजर्स को हम डिनोट करने के लिए जेड देखते हैं तो जेड लिख लेते हैं एक्स एच डेट एक्स बिलोंग्स टू जी एंड अब हमारे पास स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं माइनस -100 हंड्रेड से थाउजेंड तक जाना है तो माइनस हंड्रेड तो ये हमने क्या किया गिवन सेट की सेट बिल्डर नोटेशन लिख ली जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे लिखी हुई देख सकते हैं सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव एंड टेबुलर फॉर्म्स तो स्टार्ट करते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है सेट दिया हुआ है अब हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में सेट दिया हुआ है हमने इसकी डिस्क्रिप्टिव और टेबुलर फॉर्म लिखनी है तो स्टार्ट करते हैं पहले मैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखना लिखती हूँ तो क्या होगी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वो मेरे पास क्या आएगी मेरे पास क्या दिया हुआ है सेट ऑफ इवन नंबर्स दिया हुआ है जो स्टार्ट हो रहे हैं फोर से टेन तक तो मैं लिख सकती हूँ सेट ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम फो फोर तो टू टेन और फोर और टेन जो है वो इसमें इंक्लूडिंग है इसके बाद सेकेंड फॉर्म हमने लिखनी है टेबुलर फॉर्म टेबुलर फॉर्म क्या होती है ब्रैकेट में और जो सेट में एलिमेंट्स होते हैं उनको लिखना है तो हमारे पास यहाँ पे इवन नंबर्स हैं और वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं फोर से और एंड हो रहे हैं टेन पे तो फोर से इवन नंबर स्टार्ट करें नेक्स्ट इवन नंबर क्या आएगा सिक्स इस तरह नेक्स्ट क्या आएगा एट और क्या होगा टेन इवन नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं विच आर डिविजिबल बाय टू तो हमने ये टेबुलर फॉर्म लिख ली अब सेकेंड क्वेश्चन के भी हमने क्या करना है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखनी है और टेबुलर फॉर्म लिखनी है तो स्टार्ट करते हैं उसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होगी हमारे पास गिवन है एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स प्लस फोर इक्वल टू ज़ीरो तो क्या होगी तो इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हमारे पास क्या होगी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स सच डेट हमारे पास क्या होनी चाहिए कंडीशन एक्स प्लस फोर इक्वल टू ज़ीरो तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस फोर डज नॉट बिलोंग्स टू एन क्योंकि नेचुरल नंबर जो हमारे पास स्टार्ट होते हैं वो कहाँ से होते हैं वन टू थ्री अप टू सो ऑन और हमारे पास जो माइनस फोर है वो नेचुरल नंबर में नहीं आता तो हमने ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिख ली अब अगर हम टेबुलर फॉर्म की बात करें तो हमारे पास क्या होगी वो हमारे पास एम्प्टी सेट होगी क्योंकि हमारे पास x प्लस फोर इक्वल टू जीरो इक्वेजन का कोई सोल्यूशन नहीं है जो नेचुरल नंबर में लाए करे तो इसकी टेबुलर फॉर्म क्या होगी एम टी सेट इसी तरह हमने क्या करना है डिस्क्रिप्टिव और टेबुलर फॉर्म लिखनी है इस सेट की डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होगी आई लिख लेते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स सच डेट एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स टेबुलर फॉर्म हमारे पास क्या होगी हमारे पास कोई ऐसा रियल नंबर है ही नहीं जो हमारे पास क्या हो एक्स नॉट इक्वल टू एक्स जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल लूँ वन इक्वल टू वन होगा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो अपने बराबर ना हो तो टेबुलर फॉर्म में हमारे पास कौन सा आ जाएगा एम टी सेट तो उसको हम लिख लेते हैं होप्सो so, आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे सेट बिल्डर नोटेशन से हमने डिस्क्रिप्टिव और टेबुलर फॉर्म लिखी थैंक यू